सत श्री अकाल सारिआं नूं, गुड मॉर्निंग। असी एक्सलरेटेड मोशन दे बारे डिस्कस कर रहे सी। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक्सलरेटेड मोशन। सो लेट अस सीक ए सिचुएशन। सो दिस इज ए रोड शोन हेयर। सो दिस इज एक्चुअली यू कैन से ए रोड, एक सड़क आ जिहदे ते माइलस्टोनस लिखे हुए आ, नंबरस लिखे हुए आ। सड़क कि जगह पर तुसी पहुँचे, 0, 1, 2, 3 इदा करके। मैं 36 तक जिहड़े हैगे आ उह स्टोनस मन्ने आ 36। सो ये सड़क आ, सड़क के उत्ते सच्ची मुची जिहड़े आ माइलस्टोन दे नंबर असी शो किते आ। हुण आ टाइम दस्या कि एक सैकेंड जिहड़ी बॉडी आ, कोई बॉडी आ जिहड़ी मोशन च आ, उहदी इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सैकेंड आ जदों 0 पॉइंट ते रीच कीती। हुण इट मीनस कि वह बॉडी पिछों कितों चलदी हुई आ रही सी जदों इत्थे पहुँची। असी नोट किया उहदी स्पीड 5 मीटर पर सैकेंड सी, पिछों कितों इट वॉज कमिंग फ्रॉम समवेयर। And when it reached this point, when I started noting my time, so therefore I chose it to be zero at here, at this place. It is zero time. So this is zero time. Then this is 1 second time. Then it is total 2 seconds. Then this is 3 seconds. This is 4 seconds. So this is 4 seconds. So means, when it moved, when time is 0 seconds and the body is at position 0, its speed or velocity, because it is in the positive direction, or you can say in the single direction, is it is moving only in this direction, so therefore it is not coming back. So I can use the word speed and velocity. It is in the positive x direction, because only positive x direction you can say, to be more specific. Bilkul clear hona ya ta, positive x direction means thode hath de hisab naal kahiye te sajje passe nu hi jehdi body aa oh jai jandi aa te wapas nahi aandi pai. Is liye je main velocity di thaan te speed vi bol dinna ta it's not wrong. So therefore velocity jehdi si edi 0 time de upar, जीरो पोजिशन के उपर, जीरो टाइम पर 5 मीटर पर सैकेंड सी। ये पिछों कितों आई है, ये बॉडी पिछों ट्रैवल करती हुई पिछों आ रही सी, तो इतने जो ये पहुँची उदों असी ये स्पीड 5 मीटर पर सैकेंड नोट की, तो नाल ही असी अपनी घड़ी चालू कर ली, तो जीरो टाइम जिहड़ा हैगा उहदे च घड़ी दे विच स्टार्ट करता। असी की देखिया कि 1 सैकेंड जदों घड़ी ते बीत गया तो असी इत्थे पहुँच गए, जिहड़ी बॉडी आ वो 7 नंबर वाले पॉइंट ते पहुँच गई। सो 7 नंबर पर जिहड़ी आ बॉडी आ वो पहुँच गई। दैन फिर असी इहनू देखते गए, तो इहदा मतलब आ कि इहदी जिहड़ी स्पीड आ, असी इह वी देखिया कि इहदी स्पीड 7 मीटर पर सैकेंड हो गई उस वेले। सो इस करके ये जिहड़ी हैगी आ, ये 7 जिहड़े पॉइंट आ, 7 पोजिशनज टप गई हैगी आ। सो ये 7 मीटर नूं इस करके डिसप्लेसमेंट शो की आ, 7 मीटर 1 सैकेंड दे विच 7 मीटर दूर चली गई। जदों इत्थे पहुँची इहदा मतलब ये तेज़ हो रही सी वस्तु जिहड़ी सी, वो तेज़ चल रही सी, तेज़ हो रही सी। जे तेज़ ना हुंदी 5 मीटर पर सैकेंड ही रहिंदी तां फिर इहने 5 तक ही पहुँचना सी 1 सैकेंड विच। पर इहदा मतलब है कि इहने स्पीड वधाई हुई आ, स्पीड वधा के इहने फिर 2 पॉइंट ज़्यादा किते आ कवर, तां इहदा मतलब कि 1 सैकेंड बाद इहदी जिहड़ी स्पीड आ उह 7 मीटर पर सैकेंड आ। तो जे हुण असी एक्सलरेशन की गल करिए, इहदी एक्सलरेशन क्योंकि 1 सैकेंड विच इहदी स्पीड किन्नी वध गई, 2 मीटर पर सैकेंड वध गई। सो इट बिकम्स 2 मीटर पर सैकेंड, सो मीनस इक्वल टू 2 मीटर पर सैकेंड स्क्वेयर, और यू कैन से 2 मीटर सैकेंड माइनस 2 लाइक दिस। सो 2 मीटर पर सैकेंड आ वाले 7 मीटर पर सैकेंड के 5 मीटर पर सैकेंड घटाइए, v2 माइनस v1 या v माइनस u डिवाइड बाय 1 सैकेंड मीनस टाइम इज 1। सो देयर फोर यू हैव दिस एक्सलरेशन इन दिस रीजन। हुण इस तो बाद इहदी एक्सलरेशन असी मानते हैं कि एक्सलरेशन फिक्स होगी, असी मानते हैं कि इन्नी एक्सलरेशन वाली वध रही आ,
यदि एक्सलेशन इन्नी रह रही है, यदा मतलब हर एक सैकेंड बाद उसकी स्पीड जी हैगी 2 मीटर पर सैकेंड के नाल इजाफा हो रहा, वाधा हो रहा, इनक्रीज़ करती पी। हुण 7 पोजिशन पर पहुँचन से 1 सैकेंड बाद, फिर 1 सैकेंड बाद, फिर दैन 1 सैकेंड हैपन्स, ये बॉडी कितने पहुँच गई 16 पर। सो इट इज 16 मतलब हुण कितनी दूर आ गई, हुण इत्थों लैके इत्थों तक 9 मीटर दूर आ गई, कितनी देर च 1 सैकेंड। इहदा मतलब कि असल में इत्थे तक पहुँचते हुए 2 सैकेंड बीत चुके आ, सो 2 सैकेंड्स। तो यदि जी स्पीड 7 सी हुण 9 हो चुकी आ, तो एक्सलेशन हले भी 2 मीटर पर सैकेंड स्केयर ही आ। फिर यह 1 सैकेंड दे विच होर अगे वधी, 11 मीटर दूर चल गई, सो मूवड 11 मीटर्स। एक्सलेशन स्टिल इज 2 मीटर पर सैकेंड स्केयर, इट बिकम्स 11 मीटर पर सैकेंड। 3 सैकेंड बीत चुके आ, पर 1 सैकेंड बाद उसकी स्पीड 2 वधी सी। दैन अगेन ये 13 मीटर दूर चली गई, 1 सैकेंड बीतिया इतों लैके इतों तक, 1 सैकेंड बीतिया, मीनस बहुत तेज़ होगी, 11 मीटर पर सैकेंड, 13 मीटर पर सैकेंड होगी। एक्सलेशन इज स्टिल 2 मीटर पर सैकेंड स्केयर, सो एक्सलेशन हले भी उन्ना ही आ। सो ये सारी सिचुएशन में असं की देखते हैं कि एक्सलेशन की वैल्यू जी कॉन्सटेंट है, एक्सलेशन इज कॉन्सटेंट, सो एक्सलेशन रिमेन्स कॉन्सटेंट। सो ये अपने को जी मेन गल आ कि इनिशियल विलोसिटी जी सी, इनिशियल विलोसिटी वो जी सी, इनिशियल विलोसिटी वॉज इक्वल टू 5 मीटर सैकेंड इनवर्स। फाइनल विलोसिटी इज इक्वल टू, सो यू कैन सी 13 मीटर सैकेंड इनवर्स। सो इफ वी टेक द एवरेज विलोसिटी एवरेज, बिकॉज हियर एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, so therefore we can put like this, v initial plus v final divided by 2, means this is 13 plus 5 over 2, so 18 by 2, 9 meter per second. So therefore you have this value, so v average, so this is the v average, so 9 meter per second square. Now if we see the total distance traveled, so total distance traveled is, you can see from this, so total displacement, or you can say from 0 to 36, it moved up to 36 in 4 seconds. So yada matlab je apan apni jehdi basic definition ya average di, so total distance over, so total distance over total time, so again it is 9 meter per second square. सो बेसिकली ये सारी प्रोसैस करन दा की मकसद सीगा, आ वाला फॉर्मूला समझना। सो ये वाला फॉर्मूला समझन लई कि वी एवरेज जे एक्सेलरेशन कॉन्सटेंट होवे, सो इफ एक्सेलरेशन इज कॉन्सटेंट, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, इफ एक्सेलरेशन इज कॉन्सटेंट, सो यू मस्ट बी क्लियर, एक्सेलरेशन इज कॉन्सटेंट, एक्सेलरेशन is constant, so acceleration is constant, so constant acceleration jadon hundi aa odon aa wala formula valid hunda aa. So v average is v initial v final divided by 2, so eh apa check kar liya, so therefore a wala formula assi hun use karna aa. So I again write, so v average jada old fashion style apna, initial plus final डिवाइड बाय 2, इनिशियल में आपां यू लिखते होंने, फाइनल में वी लिखते होंने, डिवाइड बाय 2। सो एवरेज स्पीड जे आपां लिखनी होवे तां उहदा जिहड़ा फार्मूला है यू प्लस वी ओवर 2 हुंदा है, वैन एक्सलरेशन इज कॉन्सटेंट इज फिक्सड, सो एक्सलरेशन में फिक्स रहना चाहिए आ, फिर आ वाला फार्मूला ठीक हुंदा है। सो हुण एक आपां फार्मूला कल पढ़िया सीगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो ये फॉर्मूला असी पहलों ड्राइव कर चुके हैं, इनू असी विलोसिटी टाइम रिलेशन कहने, सो दिस फॉर्मूला इन विलोसिटी टाइम रिलेशन, सो दिस फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी ड्राइव्ड, विलोसिटी टाइम रिलेशन। नाउ वी विल ड्राइव पोजिशन टाइम रिलेशन, सो पोजिशन टाइम रिलेशन वी विल ड्राइव, सो वी विल ड्राइव पोजिशन टाइम रिलेशन। सो पोजिशन टाइम रिलेशन, पोजिशन टाइम रिलेशन,
So for this formula, we need this V average is equal to V initial plus V final over 2 formula is required here. So this is position and time. So we have taken this position here, displacement, time, velocity, acceleration, everything was shown here. So now if at some time interval the body say moved to this new position or you can say ki x 1 minus x 0 is equal to v average into t 1 minus t 0. So this is the basic definition of v average. So we can write v average is equal to displacement change in this thing over time. So this is basic thing. So from this thing we can write this, so by cross multiplying. So now V average, so V average now is equal to V 1 plus V 2 I can say, or V 0 plus V 1 over 2 I can say, or if you want to be more specific you can say U plus V over 2. So means this is initial, if you want to keep this, so you can say this is initial, this is final by 2, because we used this symbol in our previous classes. So U is taken as or considered as initial and V is considered as final. So but if we have to be general, so we can have V0 and V1 etc. or V1 and V2, because we are having T1, T0. So we can have V1, V0. So V0 means initial and V1 means V final. So that is up to you, how will you remember these things. So therefore V average, so V average, so now I will keep U and V etc. So therefore V average is replaced by this formula. So x1 minus x0 is equal to, so v plus u over 2 into t1 minus t0. So now we have this thing. Now this v, we already know v, so that was u plus at. So if need arises we can replace this v by this formula, so if there is some need. So therefore we already have this first equation, so which is known as this velocity time relation. So this is velocity time relation. So this velocity time relation we will use to replace this value v. So this v is replaced by this formula u plus at. So x1 minus x0 is equal to v is replaced by u plus at in place of this v plus u as it is. So this whole thing is divided by 2 and multiplied by t1 minus t0. So this is x0. So from here we can add these, so this will become 2u plus at whole divided by 2 t1 minus t0. Now this, because I am taking t here, so this will be the same t which I will get from this. Therefore this difference t1 minus t0 will be considered as, or you have to replace this t by t1 minus t0, or take this as t1 equal to t and t0 is t. Means when you started t0 was 0 and after some time t we get this t. So I have t, so therefore I will replace this whole thing by t only. So now I will get 2u, so this is by 2, this plus at by 2, and then there is a t outside. So now we will get this 2 and 2 will cancel out and I will get u, this t goes in, so ut plus this half will remain there, a into t square.
Now x1 minus x0 is displacement. So therefore this is position, final position, this is initial position, so this is displacement s. So you have s is equal to ut plus, so you have this formula, s is equal to ut plus half a t square. Now this whole thing you can put in terms of x1, x0, etc. You can put x1 minus x0, this is a displacement. U can be taken as v0. So t can be taken as t1 minus t0. Acceleration is constant. So t1 minus t0 whole square. So this whole thing, obviously, because we replaced these things, the subtractions of two things by single, say x1 minus x0 was replaced by s, t1 minus t0 was replaced by t, etc. U was taken as v0 initial. So means this is the symbols, so that you keep in your mind that which symbol you are using. So therefore there is no difference that you are writing things in this subtracting this mode, or you are writing this like this. So these are the formulae you used in your previous classes. तो तुसी ये फार्मूले अपने छोटियां पिछलियां क्लासां विच वरते हुए आ. सो ये उही वाले फार्मूले आ नाइन्थ विच भी सीगे. सो ये पोजिशन ते टाइम दा अपने कोल जिहड़ा फार्मूला आ वो बन गया. सो एस, सो इहदे विच सारी प्रोसैस दे विच आपां की कीता असल विच. सो ये वाली सारी प्रोसैस नूं असी जे एक बार फिर देख लीए फटाफट, तो असी की कीता कि असी एक आ वाला प्रीवियस फार्मूला सानूं याद सीगा, एक आ वाला फार्मूला, ये सारा कुछ करन दी लोड़ नहीं आ फार्मूला ड्राइव करन दे लई. सो ये सिर्फ सारा कुछ इसलिए कीता सी ताकि सानूं समझ लग जाए असी डायरैक्टली ये फार्मूला यूज़ करना हैगा, एक ए फार्मूला एक ए फार्मूला यूज़ करना हैगा. असी फिर सीधा ही वी एवरेज की डेफिनेशन जिहड़ी सीगी, वी एवरेज की डेफिनेशन या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, सो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. सो असी ए वाले फार्मूले नूं यूज़ कीता बेसिकली, सो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी वाले नूं. सो वी replaced this, taken this formula. A वाले formula च V average आया सीगा, V average जदों आ वाला V average cross multiply कीता, V average दी आ वाली value जड़ी सीगी, A वाली जड़ी V average दी value आ, वो A वाले V average दे विच असी भर दित्ती. सो जदों इहनूं भर दित्ता तां अपने कोल ए जड़े relation सीगे वो इस तरह हो गए. तां इहनां नूं आपां फिर सॉल्व कीता. सो जदों असी इहनां नूं जस्ट सॉल्व कीता तां फिर आ वाला फॉर्मूला वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली रिलेशन जिहड़ा फस्ट रिलेशन आ वो वाला रिलेशन असी इहदे विच भर दिता, तो भर के अपने कोल जिहड़ियां वैल्यूज़ आ गईयां. फिर टी वन माइनस टी जीरो जिहड़ा सीगा उहनूं असी रिप्लेस करता टी दे नाल, के इहनूं घटा के कोई ना कोई टाइम तो बचे ही होगा, क्योंकि टाइम पहला टाइम दूजे टाइम च घटावांगे तो आऊगा तो टाइम ही. सो टी टाइम आया क्योंकि असीं इत्थे टी लिखते पए सी, सो जां इत्थे भी टी वन माइनस टी लिखते, सो क्योंकि असीं टी यूज़ कर लिया इस करके इहनूं भी असीं टी दे नाल रिप्लेस करता. सो वी रिप्लेस्ड इट बाय टी. सो इतों फिर जिहड़ा डिफरेंस हुंदा वा पोजिशनज़ का डिफरेंस, सो दैट बिकम्स डिसप्लेसमेंट, क्योंकि असी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रहे हैं. सो देयरफॉर यू विल गैट दिस रिलेशन, सो यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. सो दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर. हुण ये वाले फार्मूले तुसीं इस फॉर्म च भी लिख सकते हो, क्योंकि डिसप्लेसमेंट जी दो पोजिशन का डिफरेंस होंगी, टाइम जो हुंदा वा वो दो टाइम्स का डिफरेंस हुंदा वा. सो इत्थे भी टाइम का डिफरेंस ही है. सो दिस इज़ द स्केयर ऑफ द डिफरेंस. सो यू नूं आपां कई बार भी जीरो लिख लैंदे आ इनिशियल वेलोसिटी. सो जीरो तो भाव हुंदा कि जदों टाइम जीरो सीगा वो वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी. सो बेसिकली तुहाडा फॉर्मूला एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर आ. सो ये पिछे जिहड़े आह डिफरेंसिस वाली गल आ, ये तुहाडे कंसैप्ट तुहाडे माइंड विच होने चाहिए आ. यू मस्ट बी क्लीयर अबाउट दीज थिंग्स, के भी किदा सबट्रैक्शन क्यों लिखते पे हाँ, तो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर किदा लिखते पे हाँ. जो थोड़े माइंड से दोनों चीज़ा बिल्कुल क्लीयर हो जाएगियाँ तो फिर थानू औखा नहीं लगेगा भी ये की करता माइनस क्यों करता. ठीक है, सो थैंक यू.